जी बेटा, हूँ आप करन जा रहे हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2 दे फर्स्ट द सेकेंड सम दैट इज 4s² - 4s + 1। सो सब तो पहले आप ने की निकालने दे फैक्टर, फैक्टर निकालने लिए असं की करते हैं ए नू ते सी नू मल्टीप्लाई, क्योंकि साड़ी आ जनरल इक्वेशन होंदी है। ठीक है बेटा, तो मल्टीप्लाई करते हैं 4 नू के दे नाल 1 दे नाल, 4 मल्टीप्लाई 1 ते 4 दे होर फैक्टर की आ जाएंगे, दैट इज 2 2s 4 है ना, सानू चाहिए की है -4। अगर देखो असं इन्हों प्लस करते हैं तो 5 आ जाना, माइनस करते हैं तो 3, ये नहीं बनूंगे फैक्टर है ना। हूँ 2 चो 2 माइनस करा तो 0, अगर 2 चो 2 प्लस करा तो की आजूगा 4। बट राजे प्रॉब्लम ये कि सानू इतने की चाहिए -4, तो इतने की आ रहा प्लस का 4। सानू पता है जे अगर असं इवें लिख दिए -2 -2 माइनस माइनस की हुंदा प्लस, तो आंसर भी की आजूगा -4। बस इस चीज़ का ध्यान रखना बेटा कि सानू इत्थे साइन की चाहिए तो असं इत्थे साइन की बना रहे हैं। ओके, सो फर्स्ट इक्वेशन एज इट आजूगा ax² दैन असं की लिखांगे -2s - 2s + 1 एज इट इक्वल टू 0। ओके, समझ आया राजे कि 4s नू असी तोड़ के की लिख दिता -2s - 2s। ठीक है, दैन 4 आ गए साढ़े कोल टर्म से, असी दो दो दे की बना लवांगे पेयर। इतों कॉमन की निकल रहा, देखो 4 नू लिखा जा सकता 2 × 2 ते 2 नू 2 × 1, यानी कि कॉमन की आ रहा 2 ते नाल की कॉमन आ रहा s, अंदर की बचिया 2s - 1। ठीक है राजे, हुण इत्थे तो कुछ भी नहीं कॉमन आ रहा, जदों कुछ भी कॉमन ना आवे तो की कॉमन लैने असी 1, -1 कॉमन लवेंगे। याद रखो हमेशा जदों भी माइनस कॉमन निकाल रहे हैं आपां तो अंदर साइन की हो जाना चेंज हो जाना, अगर प्लस है तो माइनस आ जाना, माइनस आता प्लस आ जाना। हुण 1 कॉमन निकाल लिया, अंदर की बचिया 2s, प्लस का 1 सी आजूगा माइनस का 1। देखो ये दोनों फैक्टर सेम है ना, ये दोनों सेम आने चाहिए हमेशा, एक इनू ही कंबाइन करके लिख लिया और एक इनू लिख लवेंगे इक्वल टू 0। हुण असी जीरोज़ निकालनिया ने, सो एक कली कली इक्वेशन नू की करांगे 0 दे इक्वल पुट करांगे। 2s = 1, s दी वैल्यू आ गई साडे कोल 1/2। इस तरह ही इधर पुट करांगे, s दी वैल्यू आ गई 1/2। ठीक है, इनू चैक करन लई तुसीं s दी जगह ते 1/2 पुट करके सोल्व करके देख लियो, इहदा आंसर 0 आऊगा। ठीक है, अपना आंसर चैक करन दा वे याद रखियो। दैन असी की करदे हुंने आ सम ऑफ जीरोज़, क्योंकि आपां ने रिलेशन चैक करना इहनां दा, सम ऑफ जीरोज़ लई दोनों नू की करांगे प्लस करांगे। अगर प्लस करांगे तो की आ गया साडे कोल 2/2 यानी कि 1, तो ये इक्वल किहदे आना चाहिए -b/a। हुण -b यानी कि -4, माइनस फॉर्मूले का, तो -4 बाय ए यानी कि x² का कोफिशेंट यानी कि 4 कैंसल करते हैं, की आ गया माइनस ना माइनस कैंसल 1, देखो सेम आ गया राइट, सेम ही आना चाहिए। नैक्सट आप करांगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, प्रोडक्ट के दोनों नू की करांगे असी मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करते हैं कि इक्वल आ गया 1/4, तो ये कि इक्वल होंगी प्रोडक्ट सी ओवर ए। हूँ सी की है कॉन्सटेंट टर्म, इतने कॉन्सटेंट टर्म की है 1 बाई ए, ए की है x² का कोफिशेंट यानी s² का कोफिशेंट दैट इज 4, देखो सेम आ गया, सो दैट मीन्स रिजल्ट इज प्रूव्ड। ओके बेटा।